अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में तेरे मेरे बीच में। और जैसा कि आपने देखा हमारे सूप का असर शुरू हो चुका है। वो अंधेरी रात में दिया उसके बारे में बहुत जरूरी उसी के लिए नहीं। मैंने तो मैम वो बस अपना वो ऐसे उन्होंने बोला रॉकेट है तो मैंने चेक किया कि गरम लग रहा है। ठंडा सूप बहुत इनोसेंट आदमी उस पे चल रहा है। ठंडा सूप पिलाते हो गरम लगता है। नो आई विल आंसर। दिस इज हमारा मैजिक सूप जिसकी हर घूंट में मस्ती की पाठशाला। इसने हर इंसान के अंदर के सिकंदर को जगा डाला स्पेशली आदमियों के। और तो मैं भी ट्राई नहीं किया। My question is to the director Nikhil and the writers. A round of applause to have written such, I mean, dialogues. You know, wrapped up nicely. आपके अंदर क्या दादा कौंड के घुस गए थे? आप लोगों से पूछ रहे हैं। That's Karan, all right. और उन्होंने अभी भी सूप पिया याद रखना। क्योंकि I mean, these guys are not aware, maybe, but दादा कौंड के फिल्मों में ऐसे ही होता था। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में तेरे मेरे बीच में। और जैसा कि आपने देखा हमारे सूप का असर शुरू हो चुका है। तो आप लोग ने देखी है क्या दादा कौंडके की फिल्में? तो ये ऐसे कैसे मतलब हाउ एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड नथिंग बैड अबाउट इट। करण एंड नीरेन आर द डायलॉग राइटर्स एंड स्क्रीन प्ले राइटर्स आल्सो सो लेट देम आंसर द क्वेश्चन। एक्चुअली फेस द मीडिया टर्न बिकॉज राइटर्स डोंट गेट देयर ड्यू यू नो। एक्चुअली ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगी कि जिसको आप डबल मीनिंग सोचते हैं वो डबल मीनिंग एक्चुअली होता नहीं, उसका मीनिंग एक ही होता है। एंड दैट इज़ द एफर्ट बिहाइंड दिस फिल्म। यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम थिंकिंग दैट दिस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। इट हैज़ द सेम मीनिंग विच यू आर थिंकिंग। ओके दैट इज़ द एफर्ट बिहाइंड दिस फिल्म। यू विल रियलाइज व्हेन यू सी द फिल्म। थैंक यू वेरी मच। Since probably it's the most common name you are thinking, so we wanted to be different, you know. अच्छा राज गुजरात से सब जिग्नेश नहीं आते। नहीं ये बहुत अलग फिल्म है सर। It's a very unique film. Yeah, to authenticate the writer's statement, Raj, would you like to say something about the dialogues? Yesterday dialogues also ऐसे होते थे। क्या कहना चाहिए? अंधेरी रात में दिया उसके बारे में बहुत सारे जरूरी उसी के लिए नहीं। Compliment ले लो। Compliment दे रही हूँ। Thank you ma'am. Thank you so much. वो जिसकी जिन्होंने लिखा उनसे मैंने तो नहीं लिखा। एक्चुअली मैं इसमें लिखा लेकिन आपने यू हैव माउथ द डायलॉग्स सो व्हाट डू यू हैव टू से। मैंने तो मैम वो बस अपना वो ऐसे उन्होंने बोला रॉकेट है तो मैंने चेक किया कि गरम लग रहा है। ठंडा सूप बहुत इनोसेंट आदमी उस पे चल रहा है। ठंडा सूप पिलाते हो गरम लगता है। नो आई विल आंसर दिस। एक्चुअली आई विल आंसर दिस। सो मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स यू सी इट्स माय एंड निखिल्स एक्चुअल इंटरेक्शन ड्यूरिंग रिसर्च विद ऑल द सेक्सोलॉजिस्ट। सो So there's a lot more which is going to come in the film, which is mentioning. So most of the reference are the real from the research which we took really long time. We went to a lot of specialists and in all the specialists, he was the patient. So yeah. So I went there as a patient just to see how this kind of a thing. And trust me, all those real incidents are damn funny to listen to. So Rajkumar ko sexologist ke paas nahi bheja tha training ke liye. मुझे नहीं मैम, मुझे जरूरत नहीं मैम। अच्छा राज मैं सूप बेचता हूँ मैम। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा एक और कि आपने कहा सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। मैं वैसे तो नहीं गया अभी तक, पर अगर जाना भी पड़े ना उसमें शर्माना नहीं चाहिए, इट्स नॉर्मल। हाँ तो यही हमारी फिल्म भी कहीं ना कहीं कहना चाहेगी कि ऐसा उसको हमें ऐसे टैबू नहीं देखना चाहिए। अगर कभी जाना भी हो किसी को इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो आप में से कितने लोगों ने बचपन में टोमेटो सूप पी के अपनी ताकत बढ़ाई है? एनीवन? कोई वेजिटेरियन टाइप? नहीं। और जवानी में मनचाओ सूप पी के लड़की पटाई, लेकिन शादी के बाद रंगीन रातें सिर्फ सोने में बिताई और सोचा यार अब कौन सा सूप पिए भाई। सर इसमें हार्ट सेल की जरूरत नहीं है तो किसमें होगी? तू एकदम चीप टाइप का तो मैं क्या करूं? देखो मैं मेरे से बन नहीं मिलेगा तुझे। फेस हमारा मैजिक सूप इसकी हर घूंट में मस्ती की पाठशाला। इसने हर इंसान के अंदर के सिकंदर को जगा डाला स्पेशली आदमियों के। औरतों पे अभी ट्राई नहीं किया है। Also, Lipika ji, क्या बोलती है मर्दानगी के बारे में? What do you think? आप भी आइए, कम यस सर आइए दादा। गुजराती बॉय केम छो? आइए ना मैं बताता हूँ आपको। ऑल्सो शुक्ला जी आ जाओ।
टेस्टी है काफी। टेस्टी ना? देखा हमारा सूप है इतना मजेदार। रघु सर सबको टेस्ट करना चाहिए, तो बहुत ही टेस्टी है। टेस्ट करना चाहिए, वो तो बोल रहे हैं पूरे इंडिया को टेस्ट करना चाहिए। और चाहिए और किसको लिफ्ट सही करानी है? तो अरुण सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू बिफोर वी टॉक टू आवर अमेजिंग कास्ट एंड क्रू। कैसा फील हो रहा है सर इसको पीने के बाद, क्या क्या हुआ? सर जैसा कि मैंने बताया कि सूप बहुत ही टेस्टी है। आई डोंट नो थोड़ी देर में क्या होगा वो नहीं मालूम, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ही टेस्टी है। मोनू जी सच में बहुत ही टेस्टी। सो ग्लैड कि आपको पसंद आया। इसके बाद के क्या प्लान है सर? देखते हैं थोड़ी देर में क्या रिएक्शन आ। देखभाल के जाएं, जहां भी जाएं, आगे की जिम्मेदारी हमारी या पूरी टीम की नहीं है। और उसके बाद की प्लानिंग हमने नहीं की है, वो खुद ही करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सर, आपको क्या बोलना है, कैसा लगा? पता नहीं, देखते इसका इफेक्ट कैसा होता है, जैसे जैसे फीलिंग कहाँ कहाँ कैसे होती है उसके हिसाब से। लिपिका जी देखिए, हम मर्दानगी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने भी जोश जगाया है, कैसा लग रहा है? लिपिका जी तो हर इंटरव्यू में जोश जगाती है, यही पूछती है शादी कब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड कौन है, मुझसे लड़कियों की बात कर। चलो आप बताओ ना फिर, आप ये सूप पिलाना। सूप पी लिया आपने? अब तो और खतरनाक हो गए आप। की बात कर रही हैं। एनीवे दिस सूप, ये सूप बहुत टेस्टी था। अब फिल्म देखने के बाद सब लोगों को पता चलेगा इसका असर क्या होगा। फिलहाल आप लोग सब पीछे हाथ लगा के देखिए गर्म हुए कि नहीं। आप सबके अंदर आग है। थैंक यू लिपिका, पता लग गया। अमेजिंग जी। शुक्ला जी आपको कैसा लगा? सूप बहुत ही टेस्टी है, बट अब देखते हैं फिल्म कैसी निकलेगी। सॉरी, इन्होंने पूरा उसको भी रिव्यू कर दिया फिल्म, ये बहुत टेस्टी है, इसमें ये चीजें थी, जो भी है। थैंक यू सो मच राजकुमार। हाय दिस इज सोनू हियर फ्रॉम बॉलीवुड क्रॉनिकल। आप इंडिया का जुगाड़ तो चाइना में आप लेके चले गए, तो रियल लाइफ में कितना जुगाड़ किया है आपने? ऐसी कोई मेमोरी जहाँ पे आपने जुगाड़ किया हो? हाँ, जब गुड़गांव में पल बढ़ रहे थे तो बहुत जुगाड़ करते थे कि अगर बंक मार के फिल्म देखने जाना है तो कैसे लिफ्ट मांगनी है, उसका जुगाड़ करते थे। तो हर जगह आई थिंक हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जुगाड़ आजमाया है और जुगाड़ किया है। और एक्चुअली ये बहुत एक फैक्ट है कि जब हम बाहर शूट करते हैं ज़्यादातर फॉरेन क्रू के साथ, तो दो चीज़ें सबसे पहले जो वो लोग सीखते हैं हमारी भाषा में, वो सीखते हैं चलो चलो ऐसे बोलते हैं, एंड दिस इज जुगाड़। दैट्स द टू थिंग्स दे लर्न द मोस्ट, कि जुगाड़ कर लेंगे, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, लेट्स डू जुगाड़। सो आई थिंक वी आर ऑल फेमस फॉर डूइंग जुगाड़्स यार। मतलब हमारे अंदर है, खून में है ये कि जुगाड़। अरे कुछ जुगाड़ लगाना यार, हो जाएगा ना, कुछ जुगाड़ करते हैं ना। सो आई थिंक वी आर ब्रेन पीपल, इंडियंस आर नोन फॉर देयर ब्रेन्स, दैट्स व्हाई वी आर जुगाड़ूस। All of us are jugadus. The trailer of the film actually looks amazing. Congratulations on that. My question is for you, Rajkumar. Your character is very intense, and you being an outsider made it to one of the top-notch actors in the Hindi film industry. Was there any jugad there? You know, I was looking for work. A lot of people told me earlier ki, "Arey, jugad lagana padta hai, aise nahi hota yahan pe. You know, you have to make contacts, you have to build network." Go to parties, but I didn't know any of that. So I never could do any jugaad regarding to when it comes to work. The only thing I knew is that luckily when I came, there were casting directors and who you could always go and meet. So I was just meeting all of them, showing my showreel and trying to tell them, to convince them to just call me for auditions. And that's how I just started my journey with LSD, Love, Sex or Dhoka. So I think usme koi jugaad nahi tha. क्योंकि उसमें अगर जुगाड़ होता तो फिर वो जुगाड़ वहीं खत्म हो जाता और शायद मैं भी वहीं खत्म हो जाता। जुगाड़ से आई थिंक उस स्पेशली इन एनी आर्टिस्टिक लाइन, वो जुगाड़ से आपको थोड़ी दूर तक लेके जा सकता है। उसके बाद आई थिंक इट्स योर वर्क, इट्स योर टैलेंट विच कैन स्पीक। एंड सर आपका वो छोटा सा क्वेश्चन रह गया था, आई नो, तो उसके लिए सर, हाँ, कैरेक्टर रघु जैसे आपने देखा तो वेट गेन करना था मुझे थोड़ा, और थोड़ा वो आईब्रोज अगर आप देखेंगे वो मैंने यूनिब्रो किए हैं। वो हम दोनों बैठ के एक्चुअली बात कर रहे थे लुक के बारे में, तो आई केप्ट लुकिंग एट हिम एंड यू नो इनकी भी जैसे यूनिब्रो है, तो मैंने कहा सर आई वॉन्ट टू कीप इट दिस वे, एंड आई टोल्ड माई मेकअप टीम एंड सेट के कैन वी डू दिस, and then that's how I think that came up. ये सच में हुआ है ऐसा? Actually Raj का जुगाड़ उसकी acting है, I genuinely believe that, and you know he's done this is his second, he's finished another one for us, but I feel till date when I saw Made in China I called him up and I said I believe it's his best performance till date. He'll make you emotional, he'll make you laugh and he'll really make you feel this film. So I think he's done really well and his dad will be very proud. Thank you. Firstly, congratulations on that amazing trailer, and I'm sure it will create all the right buzz it's needed for the film with Raj and Moni in it.
Since we are wrapping up, I think we all sitting here would want to know what has been the biggest jugaad that you guys have done, which later made you think, oh my God, I managed to do that from all four of you. I've been from a transportation and logistical background. Mere dada, pardada, koi bhi mera dada Rahul Pindi Pakistan se aaya tha 5000 rupees leke. That would be the biggest jugaad. And when I went and told him I want to make movies, he almost fell off his chair because we were a control family. So to come here and try, you know, be able to make movies and do what you love is the biggest jugaad of my life. Sir, let him complete. Unka sawal chalu. Koi baat nahi. For me, the biggest jugaad has been getting my first Hindi feature film and with such a dream cast. Also to mention the actors who have not been present today, we have Sumit Vyas, Paresh Rawal, Gajraj Rao, Manoj Joshi, Baman sir, and of course Rajan, Moni and Amaira. So again, we have music by again who are Gujarati, Sachin Jigar, who have done some incredible music. Yeah, sorry, I'm taking the mic. Wait for the music. That will be the biggest highlight of the wait for the songs. Storm is coming. So, isse bada jugaad Diwali ke liye mere liye aur kya ho sakta hai? Moni and Raj. My jugaads are very tiny actually. It's every day. You know, I love to compartmentalize things constantly. So, whether they are medicine boxes or... So, I'm constantly trying to... And you know, It eventually all the packets or the boxes or something, they get over. So I'd make like a jewelry box into like a tiny little silver jewelry box into elaichi box. So my jugaad are like that. And I feel very happy and proud about it on a day-to-day basis. See, I'm from a middle-class family in Gurgaon. And Hindustan middle-class mein basta hai bahut zyada. So hum log to har cheez mein jugaad dhoond lete the. Ki agar Colgate khatm hone wali hai, almost tabhi usko phekenge nahi toothpaste ko. Kaise kaise karke, daant se karke. To har cheez mein hamara daily life jugaad se chalta hai. तो आई थिंक वही हमारी फिल्म भी है कि कैसे एक मिडिल क्लास एक फैमिली जो है वो जुगाड़ के सहारे अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट ऑल ऑफ अस दिनेश जी राजकुमार एंड मोनी दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अनदर आउट ऑफ द बॉक्स बट हिलेरियस फिल्म इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म मेरा सवाल आपसे है कि दिस इज योर मेजर फर्स्ट फेस्टिवल रिलीज दिवाली पे जो आ रही है फिल्म एंड जिस तरीके से हम देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे देर इज अ कॉम्पिटिशन विद सांड की आंख एंड हाउसफुल 4 सो इट सीम्स दैट यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द फिल्म आई थिंक देर हैव बीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स दैट हैव कम ड्यूरिंग हॉलीडेज अगर आप देखें अभी इंडिपेंडेंस डे पे बाटला और मिशन मंगलाई बोथ हैव डन वेल उसके पहले लास्ट ईयर सत्यमेव केम विद गोल्ड मोनीज फिल्म दैट डिड रियली वेल इवन यू नो लगान हैड कम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो आई फील के हॉलीडे पे क्यों एक से ज़्यादा पिक्चरें आती हैं कि उस दिन उतनी कैपेसिटी होती है देयर इज अ हॉलीडे सीजन लॉट मोर पीपल गो टू द थिएटर सो आई थिंक देयर इज इनफ बिजनेस आई थिंक मिल बांट के विल बी ओके राजकुमार व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस मेजर दिवाली रिलीज दिस इज फर्स्ट दिवाली रिलीज व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ऑनेस्टली सर आई डोंट थिंक इट लाइक दैट फॉर मी इट्स अ रिलीज एंड वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ द फिल्म और देयर ओनली 52 फ्राइडेज और फिल्म हम बहुत सारी बनाते हैं तो कभी ना कभी सब किसी ना किसी के साथ क्लैश होगा ही करेक्ट But all the best to other films as well. I'm sure वो भी बहुत अच्छी हैं पर हमारी भी बहुत अच्छी है तो we're gonna focus on our film और हमने कोशिश की है कि ईमानदार एक आपको हंसाने की और साथ साथ कुछ बात कहने की तो we'll wait and watch. Listen, I'm just very happy Made in China is releasing. I've waited for a year. We finished shooting it last year and then I've just been waiting. So I'm very happy it's releasing on Diwali. It's a very auspicious occasion. So yeah, before that is Durga Puja. So with Adyamad's blessings, all the films will do well. Dinesh, so, one Dinesh last question here. Dinesh, they were talking about the clashes, no? So usually what we have seen that I've been there for so many years, like off late people, you know, last mein agar Akshay aake bole ki thoda aage piche kar do, to kya aisa ho sakta hai? I mean, usually they आजकल ऐसे नहीं होता आई थिंक बिकॉज देयर इज इनफ कैपेसिटी ऑन दिवाली यू नो सो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन